अलकुम लू स्टॉक के साथ अनवर मकसूद आपकी खिदमत में हिंदुस्तान और पाकिस्तान के तलुक एक अच्छी राह पर चल पड़े हैं वीज़े आसानी से मिल रहे यहाँ से लोग वहाँ जा रहे हैं वहाँ से लोग यहाँ आ रहे हैं और एक बात तो हम जानते हैं हिंदुस्तान ने आठ के मैदान में बहुत तरक्की बहुत बड़े बड़े नाम हैं वहाँ और काम भी बहुत अच्छा हो रहा है हमारी खुशनसीबी कि हिंदुस्तान से एक मुजस्मा साज़ पाकिस्तान आए हैं तो हमने ये मौका मुनासिब समझा कि हिंदुस्तान में आर्ट पर बात करने के लिए उनको लूज स्टॉक में बुलाए तो आइए मिलते हैं एक भारतीय मुजस्म साज कैसे हैं आप दुआ जी बहुत अच्छे भाई मैं ये पूछ रहा था कि भारत ने आर्ट के मैदान में काफी तरक्की की है सवाल ये है कि जब आपने निमंत्रण दिया यहां आने का मैंने सर क्या दिया आपको आपने जब यहां आने का निमंत्रण दिया अब आवश्यकता तो ये थी कि कुछ और भी कलाकारों को यहाँ पर बुलाया जाता अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताने के लिए और आपके बारे में मैंने सुना कि आप पाकिस्तान के बहुत जाने माने कलाकार हैं मैं बोल रही हूँ सर आपने किसी और के बारे में सुना होगा अच्छा जी होता है इसे गलत बयानियाँ ऐसे उपदेश बहुत सी जनता में बहुत से लोग देते हैं सवाल क्या था आपका आपने दोपहर का खाना खाया जी हाँ अच्छा भोजन भोजन जिस तरह हमें परोसा गया उसे खा के बड़ा स्वाद आया तो आपने खाया नहीं आपके भोजन परोसा गया जी हाँ अच्छा मेरा सवाल था जी बड़ा आसान सा सवाल था कि भारत ने आर्ट के मैदान में काफी तरक्की की है तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे सवाल यह उठता है मेरे भाई कि जिन लोगों ने तरक्की की वो तो मर गए हो गया उनका प्रलोक सिधार गए अब रह गए कौन हम रह गए अब जब हम रह गए तो असल जो तरक्की है वो हमसे ही शुरू होती है क्योंकि जवानी से ही हम जो थे वो तरक्की पसंद थे मगर तरक्की पसंदों की दुनिया तो एक और दुनिया है उनका तरक्की से कोई ताल्लुक नहीं एक सूचना दूं मैं आपको कि आने से पहले थोड़ा होमवर्क करना चाहिए जब आप विदेश से किसी जाने माने बड़े कलाकार को बुलाते हैं तो थोड़ा होमवर्क करना चाहिए जितनी आपकी नॉलेज है जितना ज्ञान है आपका उसी ज्ञान में रह के बात कीजिए गैर ज़रूरी शब्द बोल के अपने नंबर बढ़ाने की क्या जरूरत है मेरे भाई Are you sick? आ, नहीं वो हमारी तहजीब है एक कि जब मेहमान आते हैं समंदर पार से या सरहद पार से जी सो तो मैं देख रहा हूँ तो उनकी बातें हम खामोशी से सुनते हैं इसमें तबियत खराब और आप तो कुछ नहीं है ये देखिए यही तो बड़कपन है आपका किसी भी जनता का ये बड़कपन होता है जब कोई मेहमान विदेश से आता है उसकी बात ज्ञान और ध्यान से सुनो उसको तोलो समझो मुजस्से में बनाना कब शुरू किए मुजस्मे बनाना कब से शुरू किए हाँ अब तुम्हें क्या बताऊं विजय विजय नहीं मेरा नाम हाँ, वही वही यू समझ लो कि बालकपन से हमें ये शौक था जिसको आप उर्दू में क्या कहते हैं बचपन से ये शौक था मुजस्मे बनाना कब शुरू किए मैंने कह दिया ना आपको कि बालकपन से बहुत छोटपन से तो तरक्की पसंद का जो लफ्ज इस्तेमाल किया था आपने इससे तो कोई ताल्लुक नहीं है ना फिर तो आप तो मुझसे मुजस्मे बनाते थे शुरू से ही देखिए ना मैंने आपको आप असल में शु को कंफ्यूज कर रहे हैं मेरे भाई आपने खुद आपको नहीं पता कि आपने क्या प्रश्न पूछा मैंने पूछा मुझे से बनाना शुरू कब किया मैंने आपको जवाब दिया और तुरंत मैंने आपको उत्तर दिया इस बात का कि मैंने बालकपन से शुरू किए चले मगर यह से बनाना बचपन से कैसे शुरू कर सकता है कोई सो तो है लेकिन हम इसकी एक कथा सुनाते हैं आपको है ये घोर कथा लेकिन सुननी होगी तुम्हें विजय मेरा नाम अनवर महा वही वही हाँ एक छोटा सा बालक अपने पिताजी के साथ जाता है अजंता केव्स कहा जाता है अब ध्यान में रखना इस बात को कहा जाता है वो मासूम नन्ना बालक अजंता अपने, अपने पिता के साथ अजंता अजंता के अब वहां पर जो अजंता की जो मूर्तियां बनी हुई हैं वो छोटा सा बालक उन मूर्तियों को माताजी माताजी के लिपट जाता है तो उसे कैसे पता ये माता? अच्छा वो अजंता में गए थे जी बोलते बहुत हो तुम मेरे भाई पहले ज्ञान करो मेरी बात का कि मैं क्या कह रहा हूं ये एक आम आदमी की समझ में आने वाली बात नहीं है या मूर्ति का स्टाइल न बता मैं तो आपको समझ मैं आपको बताता हूं देखिए अब मैं फिर से मुझे अपनी पूरी कथा दोबारा से शुरू करनी पड़ेगी कि एक छोटा सा बालक आप तुम दोबारा जनता के नहीं मैं नहीं वो बालक वो छोटा मासूम बालक ना उसे भूख है ना उसे पाठशाला जाने का ध्यान है ना किसी चीज का ज्ञान है ना किसी बात का उत्तर देता है ना कोई प्रश्न पूछता है मेरे पुत्र मेरी बात सुन पुत्र नहीं हाँ। उत्तर उत्तर का मतलब है जवाब हाँ अब तो ये जब वो बच्चा छोटा बच्चा वहां पर गया है अजंता केव में दाखिल हुआ तो जो वो <clears throat> मासूम मूर्तियां जो हैं उनको देखकर वो कहता है माताजी और जाके ऐसे लिपट जाता है एक हाहाकार मच जाती है पिताजी उस नन्हे बालक को वहां से खींचते हैं और कहते हैं कि ना नहीं बालक नहीं ये माता जी नहीं है और देखो वही समय था कि जब हमारे मन में किसी ने सूचना दी आ, आपके मुन्ने थे हमारे मन में एक अच्छा, मन हमारे ने, मन, मन ने हमें, मन ने, हमारे मन हमा, ने कहते हैं छोटे नहीं हमारे मन में मन, मन, मन में एक सूचना आई और कहा कि अब हमें मजस्मे बनाने चाहिए बस वही से हमारा ज्ञान शुरू होता है आ, मैं जब तक इनसे बात करता हूँ आप लोग इश्तहार देखें और ज़रा ये मालूम करें इसको वीज़ा किसने ने दिया मेहमान अजीज़ भारत में आपका नाम एक बड़ा नाम है आप पर कई किताबें छपी है वो मैंने देखी है सो तो है शायद ही कोई क्रिटिक ऐसा हो जो आपके काम पे इतरास करता हो मगर मुझे कहते हुए दुख हो रहा है कि अभी तक आपको बातचीत करना पहला मुझे समय कब हो रहा है आज बताना चाहता हूं मैं तुम्हें तो आज उस सच्चाई पे से पर्दा उठाऊंगा जो आज तक किसी पर आश्कार नहीं हुई मैंने आपके पिताजी का नाम नहीं पूछा है मैंने पूछा है कि आपने पहला मुजस्मा कब बनाया था वो तो ही बता रहा हूँ मेरे भाई तुम बताने दोगे तो मैं बताऊंगा एक तो यहां की जनता में एक बात बड़ी सफल हो गई है कि दूसरे को बात करने नहीं देते बीच में से बात उचक लेते हैं क्यों करते हैं ऐसा शांत रहिए शांत मेरे भाई आपके में क्या है? भले ऐसा नहीं कहते भले मानुष हमने तो सुना था कि तुम बहुत कर्मकारी हो बहुत बड़े कलाकार हो छोटे लगे तुम मुझे सवाल क्या था तुम्हारा बेहतर होगा क्या आप अपने प्रश्न पर रहें और मैं अपने उत्तर पर रहू पहला मुजस्मा आपने कब बनाया एक कठिन परीक्षा थी कठिनाई का समय था और एक कठिन परीक्षा हमने दी भूख खस्ता हाल परेशान विशेष विशेष ख्याल दिमाग में ऐसे आ रहे थे जैसे इनका प्रायोजक हुआ है भूख और देखो कैसी अजीब बात है कैसी अजीब बात है कि एक बालक खस्ता हाल परेशान जेब में माउज़े तंग कर रहा है और सोचने की बात है कि उसके उल्टे जेब में सिर्फ एक रेड बुक है क्या है जेब में आ गई ना तुम्हारी आंखों में भी आंसू आपकी कथा पे अपने इस जल को रोको। आपकी कथा पे नहीं आए अपनी किस्मत पे आए हम्म सीधा सा सवाल किया था मैंने कि पहला मुझे कब बात यह है मेरे भाई इस तरह तो ये इंटरव्यू आगे नहीं चल सकेगा क्योंकि हम केवल एक पेंटर ही नहीं एक मजस्मा साजी नहीं समय समय की बात है कहा ले गए तुम हमको एक गली एक छोटी सी गली ऐसा लगा जैसे वो गली जो है पूरा एक जीवन है हमारा और उस जीवन की हम संतान हैं केवल खड़े हैं अकेले वहां पर खड़े हैं अकेले कुछ जानते नहीं कुछ सुझाई नहीं देता कुछ समझ में नहीं आता कहां जाना है क्या करना है क्या खाना होगा और खड़े हैं वहां पर परेशान भूख परेशानी खस्ता हालत और सोचने की बात है कि एक जेब में मुआवजे तंग कर रहा है और दूसरी जेब में सिर्फ एक रेड बुक विजय तुम तुम उसका अंदाजा नहीं लगा सकते सिर्फ एक रेड बुक क्या है जेब में? अब्दुल कुद्दूस, <laughs> सुन मेरी एक हद होती है आप नेशनल नेटवर्क पर हैं, एक तहजीब होती है आपसे एक पवित्र सवाल किया गया है कि उसका तुम क्या समझते हो मैंने अपवित्र जवाब दिया है इसका एक पवित्र कथा की अपवित्र कथा थोड़ी सुनाई जा सकती है तो क्या हो गया है तुम्हारा तुम ज्ञान कैसे चला गया तो फिर है? इस के चक्कर में क्यों पड़ गए हाँ कौन था जिसने हमें कहा कि तुम एक सहरंगी आदमी हो ना तुम नंगी हो न तुम सरंगी हो बजरंगी तो तुम हो ही नहीं मेरी बात सुनो अब पैमाना छलकने वाला है छलका दो पैमानों को क्योंकि मेरे पीते, पीते पीते कभी कभी बदल जाते हैं ये परवाना आए शमा महमा है एक रात का दिल की बातें छेड़ दूं दुख है तो बस इस बात का यहां से वहां तक जाने में वहां से यहां तक आने में लोग ये कहते हैं जी बंद लिफाफे में भी दिल के पैगाम बदल जाते हैं तुमने अगर हमारी बात को बदल दिया तो क्या कमाल किया जब झगड़े हो रहे थे तुम गुजरात में क्यों नहीं थे मैं नहीं था इसीलिए तो झगड़े हो रहे थे भाई मेरी जान मेरे अजीज मेरे बुजुर्ग ये बस इतना बता दे मुझे तूने पहला मुजस्मा उठाया था तो उससे क्या मतलब है मैं बताता हूँ अभी मैंने बताया नहीं है तुम्हें नहीं ये मैंने इंटरव्यू से पहले तुम्हें कहा था कि पहला मुजस्मा बनाया नहीं उठाया था अब उठाने से लोग क्या समझते हैं कि चोरी है चोरी की है इसने पाप किया है अन्याय किया है नहीं ऐसी बात नहीं है वो चोरी नहीं थी खस्ताहाल था परेशान था भूख से बिलक रहा था जेब में मुआवजे था जो तुंग कर रहा था और दूसरी जेब में सिर्फ एक रेड बुक थी और वो तकलीफ दे रही थी सिर्फ एक बुक पूछो क्यों नहीं पूछना पड़ेगा नहीं पूछ पूछना पड़ेगा तो सिलसिला तोड़ देते हो तुम लानत इस सिलसिले की कड़ी कड़ी तोड़ एक देते सिंपल सवाल आपसे किया है मैंने मैं भी उसका बहुत ही सिंपल जवाब दे रहा हूं कि मुझसे पूछो कि वो रेड बुक क्यों तंग कर रही थी पूछो विजय पूछो जिंदगी में पता नहीं तुम्हें दोबारा मौका मिले ना मिले पूछो हम तुमसे कहते हैं पूछो बाखुदा मोहब्बत के दुश्मन नहीं पूछो कि वो रेड बुक हमें क्यों तंग कर रही थी आर्टिस्ट पागल जरूर होता है दीवाना भी होता है। पागल पुत्र नहीं होता पागल दे पुत्र मैंने एक सवाल किया है पहला मुजस्मा कब बनाया मैं और कुछ सुनना नहीं चाहता बताएं आप पहला मुजस्मा कब बनाया आपने तुम्हारी आंखों में मैं क्रोध देख रहा हूं सच्चाई का सामना करना बहुत मुश्किल काम है बहुत मुश्किल सच बात करनी चाहिए क्योंकि सत्य में विजयते है रवि याद रखना हमेशा सत्य में विजयते है पता नहीं कि मेरी आंखों में क्या देख रहे हैं सत्य में भी विजयते है तुम इश्तार देखो मैं देखता हूं इसको सर बहुत भला लगा आप मेरे मेहमान हैं सो तो हैं और मेजबान का यह हक है कि वो मेहमान की इज्जत करे आओ भगत करे उसको आंखों को बिठाए मैंने आपको आंखों पे बिठाया बड़ा भक्ति भाव है आपका अगर आपने ऐसा किया है बड़ा भक्ति भाव है और ये भक्तिशाली ही लोग करते हैं ये बहुत बहुत धन्यवाद जी हाँ मगर मैं आपसे ये कह रहा हूं कि मुझे सिर्फ इतना बता दें कि पहला जो मुजस्मा आपने बनाया वो क्या था वो आपने शुरू किया था हाँ, जी हाँ 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 क्योंकि प्रोग्राम खत्म होने में थोड़ी देर रहेगी हाँ, बताते हैं बताते हैं आपको बताते हैं आपको बात क्या हो रही थी कि हम एक गली में खड़े हुए थे एक गली कलयुग कलयुग था एक हाहाकार मची हुई थी भूख प्यास परेशानी समय बीता जा रहा था समय बीता जा रहा था हम वहां खड़े थे ऐसा लग रहा था जैसे हम कई युगों से यहां खड़े हैं केवल भूख सता रही थी अब क्या होता है ऐसी चीज में ज्ञान होता है कुछ चीजों का ज्ञान होता है अब क्या देखते हैं उसी परेशानी में एक बालक खड़ा हुआ है एक गाय वहां से आती है अब गाय की चाल में एक वकार है बैल उसकी आंखों में एक क्रोध है गाय थी बैल था गाय थी अच्छा हमें हाँ ठीक से याद नहीं है क्योंकि अंधेरा था वहां गली में आ, सामने से आई थी तो गाय होगी अंधेरा था अंधेरा था, अंधेरा था। अच्छा। ठीक याद दिलाया तुमने अंधेरा था न पीने को पानी था ना खाने को कुछ रोटी थी न रोशनी थी बस एक दिया था कि जो टिमटमाए जाता था और उस टिमटिमाते हुए रोशनी में हमने क्या देखा कि गाय आ रही है अब चाहे तुम उसे बैल समझ लो ये गाय गाय सामने से आ रही थी, थी। तो गाय होगी। चलो माने लेते हैं गाय आ रही थी अब वो आती है और हम रुक जाते हैं वो हमें देखती है हम उसे देखते हैं अब हम दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं उसकी आंखों में क्रोध है मेरी आंखों में भूख है और कुछ करने की प्रेरणा है एक अब क्या देखते हैं कि अचानक गाय ने अपना रुख मोड़ा और अपनी पूछ हमारी ओर की और फिर उसने जी भर के किया गोबर आप पर जमीन पर जमीन पर तसलसुल तोड़ देते हो विजय तसलसुल तोड़ देते हो तुम तो अब क्या हुआ कि तो गा, गोबर गाय ने जी भर के किया सुनो मेरी बात मेरी बात आर्टिस्टिक बात, भी बात कर रहा हूँ कर आर्टिस्टिक बात कर रहा हूं गोबर का जिक्र कर, कर रहा है इसमें आर्टिस्ट का यही तो यही तो बिपता है यही तो बिपता है इसी बिपता को सुनो ज्ञान लो ज्ञान लो सीख लो कुछ सवा सौ करोड़ की आबादी है हमारी सीख लो कुछ अब क्या है कि जी भर के गाय ने किया गोबर अब मैं देख रहा हूं गाय चली गई दक्षिण की ओर गाय चली गई मेरा मुंह उत्तर की तरफ है तर और भीतर गोबर और भीतर गोबर क्या खूब कहा हमने सुना है तुम कवि भी हो भीतर गोबर बहुत अच्छा तो अब क्या है देखते हैं अब गोबर पे जो हमारी नजर पड़ी अब थे तो हम बचपन से ही आर्टिस्टिक माइंडेड वो जो गोबर का पॉस्चर था उसमें हमें एक कला नजर आई हमने क्या किया अब ढूंढते 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 समय गुजर रहा था ऐसा लग रहा था हम कई युगों से यहां पर खड़े हुए हैं एक पटरा हमें मिला वो पटरा हमने लिया और उस गोबर को जिस पॉस्चर में था थोड़ा सा सूखने के बाद हमने यूं करके पटड़े को डाला और उस गोबर को उस पटड़े पे बड़े ध्यान से हमने रख दिया अब देखना ये है कि वो आँख कहाँ से पैदा होती है वो आँख कहाँ से लाता है मनुष्य जिसमें कुछ ख्वाब होते हैं सपने होते हैं जो सपने बुनता है अब क्या है कि वो गोबर को लिए वे एक बालक चला जा रहा है चला जा रहा है घर पहुंचता है अब घर पहुंच के मैंने देखा कि जैसे जैसे वो सूखता जा रहा है उसका पॉस्चर चेंज होता जा रहा है जो चीज कहीं से उठी हुई थी वो कुछ दब गई है किसी जगह से कुछ निकल आया है हमने कहा यही तो कला है घेर लो इसको अब हमने क्या किया दूसरे दिन एक बालक की चतुराई देखिए एक आज देखिए बालक की बालक की चतुराई देखिए कि हमने वो पटड़ा लिया और उसे भट्टी में डाला खूब गर्म किया उसे और इतना गर्माइश दी उसको इतना ताप लगाया उस पे गोबर के, पे गोबर पे कि वो अकड़ गया अकड़ के मेरे भाई एक नया पॉस्चर सामने आया अब मैं सोच रहा हूं सामने गोबर है इधर मैं हूं गोबर का पॉस्चर चेंज हो गया है अकड़ के उसकी शक्ल निकल आई है ऐसा लग रहा है कि एक शाहकार है अब ज्ञान क्या कहता है ऐसे मौके पे? मैं उठा और अब मैं चल रहा हूं रंगों की तरफ ये ऊदा पीला नीला ना ना मेरे भाई ना ना, 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 ना। मैंने कहा नीला उठाता हूं नीला रंग उठाया और जाके उस पर स्प्रे किया अब स्प्रे करने के बाद उस गोबर में जब स्प्रे हुआ और वो कड़क था तो एक खूबसूरत शक्ल निकलना शुरू हुई लेकिन क्रिएटिविटी जो थी वो रुकी नहीं वो चलती गई एक सफलता मिलती गई मैंने गोल्डन रंग उठाया और ला के गोल्ड की बॉर्डर कर दी और फिर दूसरे दिन दिल्ली में गया एक आर्ट गैलरी की मालिका हैं बड़ा ज्ञान है उनका आर्ट में बड़ी मानता है उनकी बड़ा भक्ति भाव है उनका हाय श्रीमती संगा चटर्जी संगा चटर्जी को जब मैंने जाके ये चीज दिखाई तो उनकी चीख निकल गई कहती है कहां छुपा हुआ था इतना बड़ा कलाकार मैं समझा इतना बड़ा गोबर कहां छुपा हुआ था ये तो मुझे मालूम था ना अच्छा नहीं, नहीं मैं आप सुनती अच्छा उनको कैसे मालूम था नहीं आप बताएं प्लीज मालूम मुझे ही था मैं तो पलक भी नहीं झपका रहा हूं ना जी सुनाए सुनाए अब उन्होंने उस आर्ट गैलरी में उसकी नुमाइश की क्या नाम रखा आपने उस मुजसमे का उस मुजसमे का नाम रखा रिमेनिंग ऑफ द गुड गाय क्योंकि ये हम देख नहीं पाए थे कि वो बैल था या गाय थी आपने मेरे मेहमान की बातचीत सुनी आज मुझे एहसास हुआ कि आर्ट के बारे में मैं कुछ नहीं जानता मेरी बस एक ही दुआ है इनका भगवान इनकी आत्मा को शांति दे। इजाज़त दीजिए खुदाफि